वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक, बाजार से लेकर शॉपिंग मॉल तक सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को मेडिकल कॉलेज रोड के असुरन चौराहे पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की मौजूदगी में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सैनिटाइज करने वाले कर्मियों से वार्ता की और सैनिटाइज करने के टिप्स दिए और बताया कि सैनिटाइज से कैसे संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि 30 मार्च से पहले तक शहर में 5-6 गाड़ियों द्वारा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, लेकिन नगर आयुक्त ने जिस तेजी से कम समय में सैनिटाइज करने वाली गाड़ियों का इंतजाम किया है वो काबिले तारीफ है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महवा सब्जी मंडी, बाजार, शॉपिंग मॉल, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, प्राइवेट अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त G.K. सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, क्या होता है पता है ना आपको? दूसरे वाले कहाँ गए? कौन वाला जो करते हो घंटे उनको यार वो बताओ, कपड़ा बहुत बताइए बताइए कहाँ, मतलब आप जब इसको डालते हो तो कैसे डालते हो? इधर आ जाइए, उधर चलो, यहाँ यहाँ पता नहीं जब डालते हैं तो कहाँ पर डालते हैं और कैसे ध्यान रखते हैं? दरवाजा है, लोहे के चीज है। लेकिन पहली बात यह है कि आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है? ये मत समझिएगा कि आपने पाइप पकड़ी हुई है, कोई बहुत छोटा कार्य। हर व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मान की अनुभूति होनी चाहिए। आपको जानने की वजह से जब ये कल दुकान खुलेगी या मंगलवार को खुलेगी, लोग यहाँ पर आगे खड़े होंगे, बच्चे खड़े होंगे, आपकी वजह से उनको संक्रमण नहीं होगा। आप सोचिए कि आपके कार्य की वजह, आप उतना ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जितना महत्वपूर्ण कार्य मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कर रहे हैं। ये आपको इन लोगों को कहना चाहिए। आप पैसे की नहीं, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कभी मिलता है, कभी देर हो जाती है। बात ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है ना? आपको ये इस बात पर गर्व होना चाहिए कि गोरखपुर में रह के आप समाज के कई लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। आप वही कार्य कर रहे हैं जो डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में करते हैं, इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। रात में करते हैं, दिन में करते हैं। दूसरा मेरा सुझाव आपको ये है कि हरदम ध्यान रखिए, संक्रमण हाथ से फैल रहा है ज़्यादातर, ठीक है?
इसलिए इसको केमिकल को हाइड्रोक्लोराइड को जमीन पर मत डालिए। अब जैसे यहाँ पर लोग आएंगे, अब जब यहाँ पर लोग आएंगे, और ये नगर स्वास्थ्य अधिकारी मकान है, आपको भी उसने बताया था, अब ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग को टच करेंगे, इस पर हाथ रखते हुए जाएंगे, कोई थूक देगा, इस पर जरूर डालिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाथ पड़ सकता है, कतर उठाएंगे, कतर पर हाथ रखेंगे, इस पर हाथ रखेंगे, जहाँ जहाँ आपको लगता है हाथ लग सकता है वहाँ पर जरूर। इस केमिकल को इसका प्रयोग बहुत दिनों तक करना है, ये ना हो कि हम इसको सड़क पर ऐसे नवाते हुए, सड़क नवानी नहीं, सड़क पर संक्रमण फैलने से क्या फ़ायदा, वो धूप पड़ के वैसे ही वेपराइज हो जाएगा। पहली हमारी ट्राइटिंग होनी चाहिए, जैसे अब ये ताला लगा, अब ये जो ताला लगा है यहाँ पर हाथ लगा होगा, इस पर डाल, ठीक है, ये एक ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, कोविड संक्रमण की जो लड़ाई है उसमें स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 30 मार्च को हमारे करीब 5-6 गाड़ियां चल रही थी नगर निगम की, और मैं नगर निगम मेयर साहब को और नगर आयुक्त साहब को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतने कम समय में प्रशासन की डिमांड पर आज ये गाड़ियां लगभग 50 हो गई हैं, और मैंने इनसे अनुरोध किया है कि अगले इस सप्ताह के अंत तक, जो आगामी सप्ताह आ रहा है उसके अंत तक 70 गाड़ियां कर दी जाएं। गाड़ियां सिर्फ संख्यात्मक ही ना हो, ये प्रभावी रूप से जाके करें। सबसे पहली प्राथमिकता है जहां पर हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां पर सैनिटाइज ज़रूर हो। उसके बाद जहां पर भीड़ इलाके हैं, जैसे कि महवा सब्जी मंडी है, बाज़ार है, गोल बाज़ार है, उन पर हो, और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, अर्बन स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, और प्राइवेट चिकित्सालयों की बहुत बड़ी संख्या है, करीब 42 के करीब यहाँ पर हमारे प्राइवेट चिकित्सालय जो हैं कोविड के हैं, वहाँ पर ज़रूर किया जाए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को भी कवर किया जाए, और इनको कवर करना एक आसान काम नहीं होता है, और इसलिए आज जो कार्मिक हैं, जो वाकई में इसको लेके स्प्रे करते हैं, हमने लोगों ने उनसे भी बात करने की कोशिश की और उनको बताने का प्रयास किया है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य भी फ्रंट लाइन वर्कर की तरह है। जैसे हेल्थ वर्कर हमारा जाके लड़ाई लड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, वैसे ये लड़ाई आप पाइप पकड़ के स्प्रे करते हैं, केमिकल आपके ऊपर पड़ता है और फिर भी आप स्प्रे करते हैं, और इसलिए प्रशासन की तरफ से हम सभी ऐसे कार्मिकों को धन्यवाद देते हैं, उनको नमन करते हैं कि वो आज हमारे साथ फील्ड में खड़े हुए हैं और इस तरह से 50-54 गाड़ियों के साथ स्प्रे कर रहे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा और पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यक हो। सप्ताह का जो अंत है, वीकेंड है, उसको बंद किया गया है, लेकिन हमें ये अपनी आदत में लाना पड़ेगा, मास्क लगा ही ना, मास्क ठीक तरीके से लगाएं, जिससे कि नाक के ऊपरी भाग से कोई लीकेज ना हो और वहाँ से विषाणु अंदर ना जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि भीड़ भाड़ का इलाका या कोई कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन कर दें, उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दें, जिससे कि जब समय ठीक होगा तो हम उसको कर लेंगे। अभी संक्रमण बहुत तीव्र गति से है और हमें अनुशासन लाने की ज़रूरत है, अनुशासन स्वयं पर, अनुशासन अपने परिवार में और अनुशासन समाज में लाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम संक्रमण पर काबू कर सकें।